कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। उन्नीस सौ नब्बे में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है, दलित पिछड़े आदिवासियों को इससे दूर रखा जाता था वोट कर अधिकार से, और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं। और उनको, उनके वोट को लूट लिया जाए, हमने ताकत दिया लोगों को, ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया है यहां, सबसे भाषण कराया, और पूरा बिहार में ही नहीं, देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों के तरफ आंख नहीं दिखाता, हिम्मत नहीं है। पहले तो चापा कल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते, इनार पर, सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई ऊंच जात के महिला पानी भरते थे, और ये दबे कुचले लोग, ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में, तो उस पानी उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अब कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग रखते थे, ऐसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन का पूरा सारे देश भर में फैलाव हुआ, और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है, नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है, मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी
आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो, राम रहीम के बंदों में, ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेड़ प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे, बिहार में राजा दशरथ के जनकपुर में रामचंद्र जी का ब्याह हुआ, शादी, और बिहार जैसा राज एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ, और यहीं से देश भर में संदेश गया, बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल ही होने वाला है मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचारी बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया, और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे
कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? पेट को सुधरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और फायदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली, मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद कर देंगे हम। क्या दिया बताइए? नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक, हम लोग बोलते थे कि लागल झुलनिया में धाका बजन, लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है, तो यहां से बढ़िया से धक्का मिली फिर। और